नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण उद्यान और जो बायोस्फीयर है उसको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारी यहाँ जो छत्तीसगढ़ में संख्या है वो अभ्यारण की है। 11 अभ्यारण है, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो याद करने के लिए जो 11 अभ्यारण है उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, जिससे आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं सन के साथ में। और अभी हमारे यहाँ जो है स्टेट लेवल एग्जाम में कैसे टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कि कौन सा अभ्यारण कौन से जिले में स्थित है, कब इसकी स्थापना की गई थी यानी कब बनाया गया था, या तो फिर सही मिलान रहता है जिसमें एक साइड अभ्यारण रहता है दूसरे साइड जगह या सन दिया रहता है उसको सही मिलान करना रहता है। तीसरा टाइप के क्वेश्चन में वहां की स्पेशलिटी पूछी जाती है, कौन से अभ्यारण में जो है सर्वाधिक बाघों की संख्या है, कहाँ जो है सर्वाधिक नीलगाय पाई जाती है, कहाँ जो है सर्वाधिक मोरिया वन भाषा पाया जाता है, ये सारी चीजें जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको मैप के आधार पे भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। कई लोगों को पता नहीं होता है कि अभ्यारण क्या है, उद्यान क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण की संख्या कितनी है हमारे पास, 11 है, ठीक है। वही राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हमारे पास, 3 है छत्तीसगढ़ में। और बायोस्फीयर ये कितने हैं, सिर्फ 1 है। पहले एक और बनाया गया था कंगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ अचानक मार है, ठीक है, अचानक मार अमरकंटक। तो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे 11 है अभ्यारण का, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी ये तो याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर में क्या अंतर होता है। ये तीनों जो है क्या होता है, किसी जो विलुप्त प्राय प्रजाति होती है, जीव जंतु होते हैं, उसके संरक्षण के लिए बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अभ्यारण की संख्या जो है ज्यादा पाई जाती है, राष्ट्रीय उद्यान कम है, उससे कम बायोस्फीयर है, कुछ ना कुछ तो अंतर है, तभी तो इनको बोला जाता है। अलग अलग नाम है उनके, अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर। तो इसको समझते हैं। अभ्यारण जो क्या है, संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र। जबकि राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, ये जो है आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आरक्षित क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो जीव जंतु है जिसका संरक्षण करना है उनके लिए आरक्षित रहता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाकलाप जो है निषेध रहता है। जैसे कि आप जंगल में जो है घास नहीं काट सकते हैं, वहां से लकड़ी परचेस नहीं कर सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं, पर्यटन के लिए नहीं जा सकते हैं, ना ही वहां पे निवास कर सकते हैं, ये सारी चीजें पूर्णतः जो है आरक्षित क्षेत्र रहता है सिर्फ जीव जंतुओं के लिए जिसका संरक्षण हमें करना है। जबकि संरक्षित क्षेत्र में कुछ हद तक छूट दी जाती है, जैसे कि वहां पे क्या किया जाता है, आप अपनी पशु को चरा सकते हैं, वनों की कटाई कर सकते हैं, लेकिन लिमिट आपको जो है सूखी लकड़ी जो है काटने की इजाजत रहती है, घास वहां से काटने की इजाजत रहती है, आप अपनी पशु को चरा सकते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग रहते हैं, आप मॉर्निंग टाइम या शाम में जो है चराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है चहल पहल जो है ज्यादा होता है, एक्टिव ज्यादा रहते हैं जानवर लोग मॉर्निंग टाइम में, तो उसके लिए टाइम लिमिट किया गया है। आप पर्यटन के तौर पे घूमने तो जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते आरक्षित क्षेत्र में, लेकिन संरक्षित क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन निवास नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और ये जो दिया जाता है छूट, मानवीय क्रियाकलाप के लिए जो छूट दिया जाता है वो आदिवासी क्षेत्र में। आप लोग अक्सर यदि अचानक मार अमरकंटक घूमने गए होंगे अचानक मार के रास्ते से, तो वहां पे कुछ गाँव पड़ता है, जैसे कि केवची एक दो गाँव पड़ता है, तो वहां के लोग क्या होते हैं जंगली क्षेत्र में रहने वाले हैं, पूरी तरह से जो है डिपेंड रहते हैं जंगल के पर, इसीलिए जो है उन लोगों को कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है, बाहरी आदमी लोग के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गई, ये संरक्षित क्षेत्र में आता है या आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर में क्या अंतर होता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, 1 बायोस्फीयर है अचानक मार अमरकंटक। पूरे देश में 18 बायोस्फीयर है, जिसमें से हमारे जो छत्तीसगढ़ है वहां 14वें क्रम का बायोस्फीयर बनाया गया है अचानक मार अमरकंटक को, इसके आगे डिटेल देखेंगे। तो एक्चुअल में है क्या दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको पर्टिकुलर किसी विशेष प्रजाति के लिए भी बनाया जा सकता है। जैसे कि सपोज एक राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे मांसाहारी और शाकाहारी जीव दोनों रहते हैं,
और मांसाहारी जीव जो है बढ़ गए, शाकाहारी को जो है शिकार कर रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन घटते जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, शाकाहारी जीवों को बचाने के लिए एक अलग से उद्यान बनाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर किसी विशेष जीव को संरक्षण देने के लिए भी बनाया जा सकता है। जबकि बायोस्फीयर क्या होता है, जो पोषण स्तर होता है, आप पढ़े होंगे खाद्य जो ऊर्जा होता है, एक दूसरे में जो संचरण होता है ऊर्जा का, उसके बारे में पढ़े होंगे। जैसे कि एक घास होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, ठीक है, और मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गिद्ध खाता है, या तो फिर मोर खाता है। तो ये जो खाद्य जाल होता है वहां पे सभी का संरक्षण किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसे औषधि पौधे होते हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, या तो फिर कुछ ऐसे वृक्ष है जिसकी संख्या लगातार कम हो रही है, उसका भी संरक्षण बायोस्फीयर पे किया जाता है। यानी कि पूरे पोषण स्तर पर जो है बायोस्फीयर में जो है संरक्षण दिया जाता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में किसी पर्टिकुलर जीव या जंतु का जो है यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। तो ये समझ में आ गई होगी, दोनों जो है आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तीनों को बनाया इसीलिए जाता है कि जो जीव जंतु है उसकी संरक्षण के लिए। आप सबसे पहले अभ्यारण्य देखते हैं, ठीक है, जो 11 अभ्यारण्य है उसको आप किस तरीके से जो है याद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है एक सेंटेंस बनाया है जिसके थ्रू आप जो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है उसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा, नहीं कोचिंग क्लास में, क्योंकि इसको मैंने अपने याद करने के लिए बनाया था, ठीक है। तो सेंटेंस है, सीता बादल अचानक गरम हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सिर्फ एक लाइन आपको याद रखने की जरूरत है। इसके थ्रू आप जो है पूरे अभ्यारण को याद कर सकते हैं, साथ में उसका सन भी आपको याद यहीं पे हो जाएगा क्रम वाइज कि कब से जो है स्टार्टिंग से अभ्यारण जो बना है अभी तक जो नवीन अभ्यारण है वहां तक आपको पूरा क्रम अनुसार पता चल जाएगा। सीता बादल अचानक गर्म हो गया, ठीक है, बारिश से तुम भीग पाओगी, इसका मतलब मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है, भीग पाओगी उदयंत भोर के समय, उदयंत भोर के समय। अब ये सेंटेंस कैसे बना है दोस्तों, सीता बादल अचानक गर्म हो गया, बारिश से तुम भीग पाओगी उदयंत भोर के समय। यहां पे एक सीता नाम की लड़की, सपोज आपकी फ्रेंड है सीता, और उसको जो है बारिश में भीगना बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो आप उसको बता रहे हैं कि सीता बादल अचानक गर्म हो गया है, बारिश से तुम भीग पाओगी उदयंत भोर के समय। उदयंत भोर के समय जो है कहने का मतलब है जो सूर्य उदय का समय होता है उस टाइम पे। और ये सेंटेंस कहां से लिया गया दोस्तों, बादल अचानक गर्म हो गया। तो बारिश कैसे होती है आप सबको पता होगा, जो हमारी भूमि में जो वाटर है, पानी है, उस पर क्या होता है जब हीट पड़ती है ताप, तो क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ने लग जाती है जब हल्की होती है। तो वो क्या होता है, गर्म होता है क्योंकि वो भाप के रूप में रहता है, और जैसी ठंडी हवा उस पर पड़ती है या तो फिर ऐसे वातावरण में पहुंचती है जहां पे जो है ठंडी एयर हो, तो क्या होती है, फूट से जो बूंद बनकर जमीन पर गिरने लग जाती है, बारिश होती है। तो वहां से है, तो वहां पे कोई फ्रेंड बता रहा है ऐसे याद करने के लिए है, सीता बादल अचानक गर्म हो गया, बारिश से तुम भीग पाओगी उदयंत भोर के समय। अब इस सेंटेंस से हमको जो है कैसे पूरे 11 अभ्यारण को याद रखना है, तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सीता को आपको अलग लिखना है, ठीक है, बादल अचानक गरम हो गया को साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, इससे जो है किसी अभ्यारण का नाम नहीं आएगा, ठीक है। बारिश से तुम भीग पाओगी उदयंत भोर के समय। भोर के समय, ठीक है, तो याद होगी, इसको ऐसे जमा लेना। यहां पे के समय भी जो है कॉम्प्लीमेंट है, यहां पे सेंटेंस बनाने के लिए इसको यूज किए हैं। तो जो सीता है, अब यहां से अभ्यारण हमको देखना है, ये सेंटेंस बस आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है आपको अभ्यारण का नाम पता चल जाएगा। ये जो नाम निकलेगा वो पूरी सीक्वेंस वाइज रहेगा, सबसे पहले बना था आपका सीता नदी, ठीक है। तो सीता से सीता नदी अभ्यारण,
सीता नदी अभ्यारण्य एक हो गया। बादल से बादल खोल, अचानक से अचानक मार है, गरम से गोमर्दा ग से, ठीक है इसको याद रखेगा गोमर्दा अभ्यारण्य। यहां पे बारिश का जो ब है उससे आपको क्या लेना है, बारनवा पारा। से सेमरसोत, त से तमोर पिंगला, ठीक है। यहां पे हम लोग तो का जो रूपांतरण है उसको जो है त ले रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तमोर पिंगला, भ, भी का रूपांतरण हम लोग भय से करेंगे, ठीक है। भैरमगढ़, पाओगी में के जो पा है उससे आपका पामेड़, उदयन से उदयंती या उदंती, कहीं कहीं पे आपको उदंती भी लिखा मिलेगा ये, ठीक है। भोर से भोरम देव, तो इसको इस तरीके से याद कर लेना है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ दिमाग में ये वर्ड्स लाना है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सन है उसको कैसे याद करना है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, ये अभ्यारण्य कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों जो सबसे पहला अभ्यारण्य है सीता नदी उसको याद रखना है 1974 में, 1975, 76, 78, 83 और 2001 इतने याद रखना है, 1974 में सीता नदी बना था। उसके बाद ये जो है 1975 में बना आपका बादल खोल, अचानक मार भी 1975 और गोमर्दा अभ्यारण भी 1975 में ही बना है, ठीक है। ये तीन जो है आपका 1975 में बना है, जबकि सीता नदी 1974 में बना था, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला अभ्यारण था, सबसे प्राचीन अभ्यारण पूछा जाता है तो यही है, ठीक है। उसके बाद 75 के बाद 1976 में आपका बना था बारनवा पारा, ये सीखते से याद हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 94 लिख दिया हूं मैं, ये 74 है, गलती हो गई, 1974, 75 और 76 याद हो जाएगी। 75 में तीन अभ्यारण्य सीक्वेंस देखे, बादल खोल, अचानक गोमर्दा, ये जो है 1975 में बनाया गया था, बारनवा पारा 1976 है, 76 के बाद आपको 78, 1978 ये भी 1978 में दो अभ्यारण था, सेमरसोत और तमोर पिंगला, ठीक है। जबकि भैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती, भैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती ये बना था आपका 1983 में, ठीक है। ये तीनों आपका बना 1983 में, जबकि भोरम के सबसे नवीन अभ्यारण है इसको बनाया गया था छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद 2001 में, बाकी छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था उससे पहले के अभ्यारण है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। सन याद हो गया, अब जगह हम लोग सीधा मैप में ही देखेंगे, तो सबसे पहले इसी सीक्वेंस के आधार पर ही देखेंगे हम लोग मैप में, क्योंकि मैप में यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी जाता है, और अभी तक यदि आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाना नहीं सीखे हैं नवीन जिलों के साथ में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीता नदी, सीता नदी कहाँ है दोस्तों, आपका धमतरी में, धमतरी कहाँ है ये, ठीक है, ये गरियाबंद है, उसके बगल में धमतरी है जहां पे सीता नदी। अब इसकी जो ही पे जो है इसकी स्पेशलिटी भी देख लेते हैं कि क्या है सीता नदी, क्या चीज के लिए फेमस है धमतरी, ये बाघ के लिए फेमस है, सर्वाधिक मात्रा में बाघ यहाँ पाया जाता है, वैसे तो सर्वाधिक जो है अचानक मार में पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो है सर्वाधिक बाघ के लिए ही फेमस है ये। दूसरा जो अभ्यारण है वो बादल खोल है, बादल खोल कहाँ है, जसपुर में है, जसपुर आपका ये है, ठीक है, ये जसपुर है, यहाँ पे आपका है बादल खोल, और बादल खोल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, क्या चीज के लिए फेमस है, तो हाथी, इसको याद रखिएगा हाथी, ठीक है। तीसरा जो है अचानक मार मुंगेली में है, मुंगेली ये है, ये गोरल पेंडर मारवाही, ये बिलासपुर, ठीक है, पूरा बिलासपुर संभाग है, तो मुंगेली यहाँ पे है, ठीक है, मुंगेली में ही है आपका अचानक मार, अचानक मार, यही जो है हमारा पहला बायोस्फीयर भी है इकलौता, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और ये जो अचानक मार है मुंगेली और मध्य प्रदेश के में भी आता है, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा
में है लेकिन ज्यादातर मुंगेली जिले में ही है, ठीक है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में शामिल है अचानक मार। फिर है आपका गोमर्दा अभ्यारण्य। गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ है? आपका रायगढ़ में है। रायगढ़ कहाँ है? ये है, ये अभी नया जिला बना है, शक्ति और खैरागढ़ छुई खदान। ये क्या है आपका? रायगढ़ जिला है। और रायगढ़ जिला में क्या है? गोमर्दा अभ्यारण्य। और गोमर्दा अभ्यारण सर्वाधिक क्या चीज के लिए प्रचलित है दोस्तों? तो क्या चीज के लिए प्रचलित है? सोन कुत्ता के लिए। सर्वाधिक मात्रा में सोन कुत्ता पाया जाता है गोमर्दा अभ्यारण्य में। अगला है बरन वपारा। कहाँ है? महासमुंद में है। तो महासमुंद गरियाबंद के ऊपर में, यह है आपका महासमुंद। यहां पे क्या है आपका? बारनवा पारा, ठीक है, बारनवा पारा। यहां पे शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं, शाकाहारी जीव, इसके लिए प्रचलित है सेमरसोत। सेमरसोत कहां है दोस्तों? सेमरसोत है बलरामपुर में। बलरामपुर कहाँ है? ये बलरामपुर है, ठीक है, ये सूरजपुर है। सूरजपुर बलरामपुर में क्या है आपका? सेमरसोत। सेमरसोत और उसके जस्ट बगल में दोस्तों सूरजपुर जिला है, यहां पे क्या है आपका? तमोर पिंगला। और ये दोनों जो है दोस्तों नील गाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सूरजपुर जिला में सेमरसोत तमोर पिंगला और बलरामपुर में सेमरसोत, ये दोनों जो है नील गाय के लिए, सर्वाधिक नील गाय यहाँ पे पाई जाती है। अब आ गए आपका भैरमगढ़ और पामेड़। ये दोनों जो है कहाँ है? बीजापुर में है। बीजापुर ये क्या है? सुकमा है, दंतेवाड़ा, ये बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, ये बस्तर है, ठीक है। तो ये आपका बीजापुर, बीजापुर यहाँ है। तो यहाँ है कौन सा? भैरमगढ़, भैरमगढ़ और पामेड़, याद हो गई। अब है अगला उदयंती। उदयंती कहां है दोस्तों? गरियाबंद में। गरियाबंद यह है महासमुंद के नीचे, गरियाबंद, ठीक है। और गरियाबंद में है आपका उदयंती अभ्यारण्य, या उदयंती भी लिखा रहता है कहीं कहीं। और ये क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सर्वाधिक मोर या वन भैंसा यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, मोर और वन भैंसा। तो इसको याद रखिएगा, जो यहाँ पे प्रसिद्धि हासिल है, कुछ विशेषताएं हैं जो कि सर्वाधिक पाई जाती है, वो पूछा जाता है। और नवीन अभ्यारण है, उसके बाद लास्ट में बचा है भोरम देव, जो कि कवर्धा में है। कवर्धा कहाँ है दोस्तों? दुर्ग संभाग में आएगा, ये है कवर्धा, ठीक है। कवर्धा में कौन सा है? भोरमदेव, भोरमदेव कवर्धा, यहां पे भी बाघ पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब यहां पे यदि क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो कुछ ही अभ्यारण्य है जिसके बारे में बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला है, ठीक है, सूरजपुर जिला में, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 608 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। वही सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? बादल खोल। कहाँ है वो? जसपुर में है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 105 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, 105 वर्ग किलोमीटर। और क्या है? सबसे पुरानी अभ्यारण्य पूछा जाए तो कौन सा है दोस्तों? सीता नदी, जो कि सबसे पहले बना था। अभी तक हमने जो है पूरे अभ्यारण देख चुके हैं दोस्तों, 11 अभ्यारण, उसकी स्पेशलिटी भी देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, चूंकि तिली राष्ट्रीय उद्यान है, एक बायोस्फीयर है, तो उसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्ट देखते हैं मैप में, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं पहले। अब देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 3 है, ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला यहीं पे देख लेते हैं मैप में, कोरिया, एक है कोरिया जिले में। कौन सा है? तो आपका गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान,
इसका जो पूर्व नाम है दोस्तों वो था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बनाया गया था 1981 में, ठीक है 1981 में बनाया गया था, और इसका पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन 2002 में नाम को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या क्या चीज के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो नीलगाय बाघ ये चीजें पाई जाती है, चीतल और सांभर वगैरह, लेकिन मुख्यतः नीलगाय और बाघ है, ठीक है। दूसरा जो है आपका बीजापुर में है, यहां 1978 में बनाया गया था, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों, इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसको 1978 में बनाया गया था, यहां पे बाघों का संरक्षण किया जाता है। वही जस्ट उस पार आपका बस्तर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहां पे कांगेर नदी बहती है, जिसके बगल में होने के कारण उसी कारण इसका नाम पड़ा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसका एक स्पेशलिटी है कि इसको जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बायोस्फीयर बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान है। अभी वर्तमान में हमारा जो मुंगेली में है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मुंगेली में कहाँ है, अचानक मार, ठीक है, अचानक मार को जो है क्या किया गया है, बायोस्फीयर बनाया गया है 14वें क्रम का, ठीक है। हमारे देश में कितने हैं टोटल, तो 18 है, देश में कितना है इसको भी याद रखिएगा, इंडियन लेवल में पूछ दिया गया तो देश में टोटल जो बायोस्फीयर है वो 18 है, जिसमें 14वें क्रम में अचानक मार हमारे मुंगेली जिले में है। और सर्वाधिक यदि पूछा जाए तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक जो बायोस्फीयर है मध्य प्रदेश में है, जहां पर संख्या कितनी है बायोस्फीयर की, 3 है, इसको भी याद रखिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की और क्या स्पेशलिटी है दोस्तों, वहां पे जो है भैंसादरह नामक जगह पर, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का पालन किया जाता है, संरक्षण स्थल है मगरमच्छों का भैंसादरह। एक और है कुटुंबसर गुफा भी पाई जाती है यहाँ पे, जहाँ पे जो है अंधी मछली पाई जाती है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहाँ है वो, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और ये जो है छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जो गुरु घासीदास है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका जो कितने क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर 200 वर्ग किलोमीटर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, जबकि सबसे बड़ा का कितना है 1441 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल इतने एरिया में जो है फैला हुआ है। आज के वीडियो में इतने ही है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है आपको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।